इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रैंकिंग लिस्ट जारी कर दी है। T20 बैटिंग रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों को जबरदस्त फायदा देखने को मिला है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर ने रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। सूर्य कुमार यादव T20 रैंकिंग में 35 स्थान ऊपर चढ़कर 21वें पायदान पर आ गए हैं। वहीं वेंकटेश अय्यर की बात करें तो उन्होंने 203 पायदान की छलांग लगाते हुए 115वें नंबर पर जगह बना ली है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी T20 मैच में इस जोड़ी ने केवल 37 गेंदों पर 91 रन जड़े थे। इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव 107 रन बनाए थे और भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे, जबकि वेंकटेश अय्यर 92 रनों के साथ भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर थे। टीम इंडिया ने यह सीरीज 3-0 से जीत कर अपने नाम कर ली थी और राहुल को इस पर काफी नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने चोट के चलते वेस्ट इंडीज सीरीज मिस कर दिया था। राहुल 2 स्थान फिसलकर 4th से 6th पायदान पर आ गए हैं। और वहीं बात करें विराट कोहली की तो पूर्व कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी रैंकिंग में 10वें नंबर पर बने हुए हैं और इंडियन कप्तान रोहित शर्मा 11वें स्थान पर मौजूद हैं। बॉलिंग और ऑलराउंडर्स की टॉप 10 लिस्ट में किसी भारतीय को जगह नहीं मिल पाई है। गेंदबाजों की T20 रैंकिंग में भुवनेश्वर कुमार 20वें नंबर पर है, जबकि ऑलराउंडर की लिस्ट में टॉप 20 में एक भी भारतीय का नाम शामिल नहीं है। टेस्ट रैंकिंग में रोहित कोहली बरकरार है और T20 के अलावा टेस्ट फॉर्मेट की रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 773 पॉइंट्स के साथ 6th पायदान और विराट कोहली 767 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर बरकरार है। स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग में दूसरे और फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह 10वें नंबर पर मौजूद हैं। ऑलराउंडर सूची में अश्विन दूसरे स्थान और रविंद्र जडेजा तीसरे स्थान पर बरकरार हैं। टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के मानस लाबुशेन और नंबर 1 गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और ऑलराउंडर के लिस्ट में टॉप पर जेसन होल्डर का नाम शामिल है। तो चलिए ये तो थी ICC रैंकिंग की अपडेट और हम चाहेंगे कि आपको ऐसे ही जो है अन्य अपडेट मिलती रहे, इसलिए फटाफट से हमारे चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।